ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया इंटरसेक्शन। दो सेट हमें दिए हुए थे, मतलब एक पेयर ऑफ सेट गिवन था, दो सेट जिसे कह सकते हैं, दो सेट का एक पेयर होता है, उसमें हमने कॉमन निकालना था कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट थे, जो दोनों का इंटरसेक्शन था, वो हमने राइट करना था। अब इसमें क्या कह रहा है, दोनों सेट आपको गिवन है और वो आपसे कह रहा है कि इनका यूनियन लिखिए। सर यूनियन कैसे लिखते हैं, उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूं। अगर एक सेट है ए जिसमें सेट कर लें एम, लेट सपोज सेट कर लें एम, एक सेट है एम जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और दूसरा जो सेट है वो है के। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक सेट है एम, कौन सा एम, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी, दूसरा जो सेट है आपके पास वो है सेट के, इसके एलिमेंट्स हैं सी डी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों का यूनियन लिखिए तो कैसे लिखेंगे, सर एम यूनियन, ये सिंबल यूनियन को शो करता। जैसे इसको अगर हम उलट करके लिख दें तो ये किसको शो कर रहा था, याद कीजिए इंटरसेक्शन को, तो ये किसे शो कर रहा है यूनियन को, एम और के का यूनियन, एम यूनियन के। तो क्या आएगा, सर जो एलिमेंट्स एम वाले हैं और जो के वाले हैं वो दोनों आएंगे इसके अंदर, यूनियन है ना, लेकिन सर ऐसे एलिमेंट जो एम में भी और के में भी दोनों में मौजूद हैं वो एक दफा आएगा, वरना सर ये देखे ना सी इसमें भी है इसमें भी है, तो सी तो दो दफा आ जाएगा अगर मैं दोनों के एलिमेंट्स लिखूंगा, तो वो तो रेपिटेशन हो जाएगी। सेट की डेफिनेशन की खिलाफ वर्जी देख दी, सेट कह रहा है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सी के बाद सी लिखा जाएगा, दो सी एक जैसे हो जाएंगे तो वो तो डिस्टिंक्ट तो नहीं रहेंगे ना, अलग मुख्तलिफ तो नहीं रहेंगे ना, वो तो एक जैसे हो जाएंगे। तो सेट में क्या होते हैं एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट होते हैं। अच्छा यूनियन में आ गए, सबसे पहले एम के एलिमेंट्स ए बी सी लिख दिया, अब के एलिमेंट्स लिखने आए तो सबसे पहले सी था, सी सर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सी दोबारा नहीं लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है वो एक दफा आएगा, और इसमें डी है तो ये भी आ गया। ठीक है भाई, एम ए बी सी और के सी डी, दोनों का यूनियन क्या हुआ, ए बी सी डी। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आई, इंटरसेक्शन भी आपको बताया था इस तरह एग्जाम्पल के साथ, अब हम आपको यूनियन भी बता चुके, आई होप कि चीज आपको समझ में आई होगी कि यूनियन क्या होता। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट, इसमें यूनियन निकालना है जो भी हमने डिस्कस किया, ए सी डी और ए बी सी डी, ए सी डी ये एक सेट है, दूसरा है ए बी सी डी। ठीक है, इन दोनों का क्या लिखना है, हमने यूनियन लिखना है, यहां लिख दीजिए यूनियन ऑफ गिवन सेट्स, दोनों सेट्स का यूनियन क्या होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। कैसे सर, देखिए यूनियन क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया दो सेट्स का यूनियन, उसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन ऐसा एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो वो एक दफा आता, ए इसमें भी है एक दफा आएगा, बी इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है तो ये आ गया वैसे का वैसे, सी दोनों में एक दफा आएगा, डी दोनों में तो एक दफा आएगा। अब देखिए जो ए इस सेट का और इस सेट का यूनियन है, उसमें तमाम एलिमेंट्स वो मौजूद होंगे जो इसमें भी हैं और जो इसमें भी हैं, दोनों के एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे। ठीक है, दोनों का यूनियन है, लेकिन जो दोनों के अंदर मौजूद हैं सेम टाइम एलिमेंट्स वो सिर्फ एक दफा आएंगे। क्लियर, यूनियन समझ में आया, अब हम फर्स्ट पार्ट कर चुके, सेकेंड पार्ट हम यहीं पर कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 384 ये तो हो गया एक सेट, और दूसरा सेट है नल 5। ठीक है, खाली सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट। तो सर इन दोनों का यूनियन क्या होगा, सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो यही सेट पूरे का पूरा यूनियन में आ जाएगा, यूनियन ऑफ गिवन सेट्स। क्या आया सर, 384। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखिए क्योंकि इसमें इस सेट में जो दूसरा सेट था उसमें तो कोई एलिमेंट था ही नहीं, तो
384 यूनियन में आ गया। अच्छा, इस सबसे ना एक पॉइंट मेरे माइंड में आया, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स में थोड़े थोड़े आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, ताकि बच्चे बात यह है कि टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए, टेक्निकली स्ट्रांग हो, ठीक है, सिर्फ रट्टोफिकेशन के पीछे, चीज़ों के पीछे नहीं भागना कि ये भी मुझे एक्सरसाइज होगी, ये भी होगी, ये रट ली, कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके इतने सॉलिड हो ना, ठीक है, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो फिर दिखना भी चाहिए, फ्यूचर में कहीं आप जाएं तो आप मार ना खाएं, ठीक है। ये मैंने अभी यहाँ से निकाला है पॉइंट, मैंने खुद भी अभी यहाँ से निकाला है, अपने माइंड को भी यूज़ करें। देखें, ये सेट इसका सबसेट है, दिख रहा है, ये सेट इसका सबसेट है। अगर दो सेट ऐसे हो, एक सेट दूसरे का सबसेट हो, दोनों का यूनियन कौन सा होगा, सुपर सेट, ये इसका सबसेट था ना, तो ये इसका सुपर सेट हो गया, जो सुपर सेट होगा वही यूनियन होगा। अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो तो उन दोनों सेट का यूनियन किसके बराबर होगा, सुपर सेट के। ये बात समझ में आई, अगर नहीं आई, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपकी बुक में भी नहीं बात, ठीक है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट हो चुके, एक पॉइंट और है, यहां से देखें, अगर दो सेट्स का यूनियन निकालना हो लेकिन उन दोनों में से एक सेट नल सेट हो, ये तो बहुत इजी है, अगर दोनों में से एक सेट नल सेट हो तो पहला सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं वही पूरे का पूरा यूनियन होगा, ठीक है, और नल सेट का किसी भी सेट से अगर आप इंटरसेक्शन निकालें तो वो नल सेट रहेगा, ठीक है जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, दोनों सेट्स जो गिवन है वो लिखते हैं। फर्स्ट सेट है 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, और सेकंड सेट है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। अब निकालना क्या है, क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों का यूनियन निकाले, ऐसी है ना, तो यूनियन ऑफ गिवन सेट्स, जो गिवन सेट्स हैं उनका यूनियन, ये देखिए सर, यूनियन में फिर वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट्स आएंगे लेकिन ऐसा एलिमेंट जो दोनों में मौजूद है वो एक दफ़ा आएगा, टू इसमें है इसमें नहीं है तो टू एक ही दफ़ा, टू तो आएगा, उसके बाद थ्री, फिर फोर, फिर सिक्स, सिक्स दोनों में है सर तो सिक्स को एक दफ़ा लिखा जाएगा, फिर एट, फिर नाइन और फिर ट्वेल्व, तो दोनों का यूनियन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम क्वेश्चंस कर चुके कंप्लीट, इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। इस चैनल को जिस पे आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर ये अच्छी लगी है आपको तो इसको लाइक भी कीजिए, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे भी कुछ सीख सकें, उनका भी बेनिफिट हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।